माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। ये लिक्विड स्टेट होता क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट एग्जाम्पल को आपको मालूम है पहले से ही, पानी हुआ, पेट हुआ, ये सब आपको क्या लिक्विड स्टेट है। आपको हमने पहले बताया था कि एक थियरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ये कहता है कि जो भी मैटर होता है, ठीक है, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन के बेसिस पे जो स्टेट होता है मैटर का, वो पांच टाइप का होता है। पहले नाम दिया गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिर दिया गया था सॉलिड, फिर दिया गया था लिक्विड, फिर दिया गया था गैस। यही नाम दिया गया था ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लास्ट में एक और आया हुआ था जिसको नाम दिया गया था प्लाज्मा। नाम दिया गया था प्लाज्मा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, जिसमें स्टेट्स में तीसरे नंबर पर हमने नाम ले लिया है लिक्विड स्टेट का, ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने ये कहा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज्यादा है, सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैसेस से कम है, तो जो स्टेट मिलेगा वो स्टेट कहलाएगा लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखते चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉलिड से, बस एरो बना दे रहे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ज्यादा याद रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेरिजन में कम है, सॉलिड के कंपेरिजन में कम है, कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड से, सॉलिड के कंपेरिजन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में क्या है, कम है। सेपरेशन की बात किया जाए, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन तो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होगा वो सॉलिड से ज्यादा होगा लेकिन गैसेस से कम होगा। तो सॉलिड से ज्यादा होगा ये गैसेस से कम कह दिया जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है, और सेपरेशन गैसेस के कंपैरिजन में कम होगा। तो भैया एक से कम तो दूसरे से ज्यादा, एक से ज्यादा तो दूसरे से कम, यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में है, हाँ, इससे कम है इससे ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में, इससे ज्यादा है इससे कम है, दोनों के बीच में है। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और गैस के बीच में रहे, यानी कि मॉडरेट रेंज में रहे, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन सॉलिड और गैस के बीच में रहे, यानी कि मॉडरेट रेंज में रहे, जो स्टेट मिलेगा उसको नाम दिया जाएगा लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड के भी केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये मत समझिएगा कि सॉलिड से कम है तो अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है भैया, इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण आपका जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना भाई। 1 लीटर पानी को आप चाहे जग में रखिए या बाल्टी में रखिए, वो 1 लीटर रहेगा, ठीक है, तो इनमें वॉल्यूम फिक्स होगा। फिक्स क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना। अच्छा जरा देखो, मतलब 1 लीटर पानी को या तो हम किसी बकेट में रखे, बाल्टी में रखे, या फिर किसी ग्लास में रखे, ठीक है भैया, ये पानी अगर 1 लीटर तो ग्लास में भी 1 लीटर होगा, तो बड़ी सी ग्लास लीजिएगा 1 लीटर वाली, ठीक है ना, बकेट में रखिएगा तो कितना होगा 1 लीटर। ऐसा नहीं है कि बाल्टी में डाला, बाल्टी का वॉल्यूम, बाल्टी में ज्यादा पानी आ सकता है तो बढ़ करके पूरा भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एल्कोहल अगर पानी, एल्कोहल अगर बकेट में
ये ग्लास है, अगर आप इसको ग्लास में डाल रहे हैं तो ये ग्लास का सेम रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बर्तन में डाल रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कोई बर्तन है यहाँ से आप फिल कर रहे हैं, तो ये इस बर्तन का सेम रिक्वायरमेंट, मतलब इसका जो सेम होगा वो डिफिनेट नहीं होगा, डिफिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज होंगी लिक्विड की जो आप पहले से जानते रहे हैं। चलिए आप हम आपको बताते हैं लिक्विड के बारे में एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। चलिए तो प्रॉपर्टी है अपनी वेपर प्रेशर, हाँ देखिएगा वेपर प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं तो करने के लिए एक कंटेनर दिया जाएगा, ये डायग्राम जान सकते हैं, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाए तो वेपर प्रेशर आप आजीवन नहीं भूलोगे, मेरी एकदम गारंटी है आपसे, बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा ये वेपर प्रेशर। एक कंटेनर लिया, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, आपको बुढ़ापे तक याद रखना है, उसका सर कंटेनर भी होना चाहिए जो उस समय तक आपका साथ दे दे। हाँ जी भैया, इससे सुंदर कौन सा नाम हो पाएगा, ठीक है। एक कंटेनर दिया, इस कंटेनर में पानी भर दिया, सबसे आसानी से मिलने वाला लिक्विड है यहाँ पे, हमने भर दिया पानी, पानी पानी भर लेते तो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा टाइम लीजिए पानी भर जाए। हाँ जी यहाँ तक हमने इसको पानी भर दिया, ठीक है, फिर इसको कवर कर दिया, ऐसे ऐसे कवर कर दिया, ठीक है, पूरी तरीके से कवर कर दिया इसको, देखिए बफेट सिस्टम वाला याद रहा ना, ऐसे ही कवर रहता है, ढक्कन खुलेगा आदमी सोचते रहते हैं वहां खड़े होकर, बात कहीं और होती है सोचते रहते हैं ढक्कन कब खुलेगा, ये खैर ये ढक्कन ना खुलेगा, इस ढक्कन को मत खोलिएगा, बस देखते रहिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसको नीचे से हीट करिए, गर्म करिए इसको, स्पीड लैंप लगाइए और इसको हीट कीजिए, गर्म किया थोड़ी देर गर्म हो जाने दो, तो जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम लोग देखते हैं कि क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में पानी भरा है, उसको पूरी तरीके से कवर किया है और नीचे से हीट किया है। अब जब पानी गर्म होगा, गर्म हो गया होगा, अब जब पानी गर्म होगा, ठीक है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अभी मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, मॉलिक्यूल का झिकझैक मोशन और बढ़ेगा और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगातार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, हमने गर्म किया तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी पूरे लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी उनके बीच में जो पार्टिकल है उन पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, और भैया जब लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर गैस में। तो जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो यह लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। एक एरो बनाना है छोटी डायग्राम का, हमको बहुत काम है, बहुत जगह चाहिए हमको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो वेपर के पार्टिकल है वो झिकझैक मोशन करेंगे, गैस पार्टिकल है वो झिकझैक मोशन करेंगे, ठीक है, जो वेपर के पार्टिकल है वो झिकझैक मोशन करेंगे, ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए, ऐसे देखिए हर पार्टिकल झिकझैक मोशन करने के लिए फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। अब देखो भाई क्या हो रहा है, अब इस चीज पहले ये प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इवेपोरेशन, क्या कहा भैया, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर
इवेपोरेशन। बस ध्यान से सुनिएगा, समाप्त होने ही वाला है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना, हमने लिक्विड को हीट किया, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, वो प्रोसेस इसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, उस प्रोसेस को नाम दे दिया गया इवेपोरेशन। अब देखिए लिक्विड के पार्टिकल जिससे मोशन कर रहे हैं, हर पार्टिकल कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो कुछ समय के बाद से कोई ना कोई पार्टिकल लिक्विड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा। जिगजैग मोशन के दौरान कोई ना कोई पार्टिकल लिक्विड सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे ही सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा लिक्विड इसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, लिक्विड इसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है ना, तो जब लिक्विड इसको ट्रैप कर लेगा यानी वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेस जिसमें कोई वेपर किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंडेंसेशन। क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देख नहीं रहे, ध्यान से याद रखना, इसीलिए लिख रहे हैं कि आप याद करिए, सुन करके याद करिए। द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस हो गए आपके पास, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। लॉ देख लेते हैं, मुंह मत बनाओ। द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड, सॉरी, द प्रोसेस इन विच वेपर वेपर गेट कन्वर्टेड इन टू लिक्विड into liquid is called, क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा कंडेंसेशन। हाँ जी, कंडेंसेशन, मन से बोलिए कंडेंसेशन, जोर से बोलिए कंडेंसेशन, तेज से बोलिए कंडेंसेशन। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस हो गया, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। कुछ देर के बाद से इसमें इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक के वाटर में रहता है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में, इवेपोरेशन के बीच में, इवेपोरेशन के बीच में और कंडेंसेशन के बीच में। इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में, इवेपोरेशन के बीच में और कंडेंसेशन के बीच में, इवेपोरेशन के बीच में और कंडेंसेशन के बीच में। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब समझिएगा, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना सूखा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी पूरे के पूरे सिस्टम में बंद कंटेनर में लिक्विड का और वेपर का क्वांटिटी जब घटेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा, और इसी इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर के पार्टिकल हैं उनके द्वारा कंटेनर के वॉल पे या लिक्विड के सरफेस पे, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर के पार्टिकल हैं उनके द्वारा कंटेनर के वॉल पे या फिर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर, उसी प्रेशर को नाम दे दिया जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है ना, टॉपिक नहीं डाल दिया हमने, टॉपिक डाल दीजिए वेपर प्रेशर, उस हो जाइए वेपर। ठीक है ना, उसी को क्या नाम दिया जाएगा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर के पार्टिकल हैं उनके द्वारा कंटेनर के वॉल पे या लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को कहा जाएगा वेपर प्रेशर। क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। अब देखिए, अब 1 एटीएम प्रेशर अगर होगा, 1 एटीएम प्रेशर पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल प्रेशर। उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल प्रेशर। 1 एटीएम पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर। वही अगर 1 बार हो गया तो 1 बार पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहां पे उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो भैया ये है अपना लिक्विड स्टेट और उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हो, नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करिए, फिर से देखिए और फिर डाउट हो बताइए। ठीक है, थैंक यू।